आज हम सब के लिए खुशी के अवसर है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव और अलंकरण समारोह कार्यक्रम में हमार मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करे थे प्रदेश के हमार मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री ताम्रध्वज साहू जी, श्री टी एस सिंहदेव जी, श्री रविन्द्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेमसाय से टेकाम जी, कवासी लकमा जी, डॉक्टर शिवकुमार डहरिया जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, श्री जयसिंह अग्रवाल जी, गुरु रुद्र कुमार जी, श्री उमेश पटेल जी, श्री अमरजीत भगत जी, सांसद सुनील सोनी जी, रामविचार नेताम जी, हमार वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, धनेन्द्र साहू जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी संसदीय सचिव, विधायकगण, निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष, हमार मुख्य सचिव जी, साथ ही डीजीपी साहब और यहाँ पर उपस्थित सब भाई मन, बहनी मन और प्रबुद्ध नागरिक मन, पत्रकार मित्र मन, आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव के आयोजन करे गए हवे, मैं एकर लिए आप सबका गाढ़ा गाढ़ा में बधाई देता हूँ। वास्तविक में ये राज्योत्सव पूरा प्रदेश के हमार खुशी के अवसर रहते और ये खुशी के अवसर आज हमला जो मिले हवे तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता सदे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं ये अवसर पर बहुत बहुत नमन करत हूँ, जो छत्तीसगढ़ राज्य बना करके छत्तीसगढ़ के जनता ला सौंपीच और आज हम छत्तीसगढ़ के विकास के गाथा, छत्तीसगढ़ के हमार संस्कृति, छत्तीसगढ़ के हमार कल्चर, छत्तीसगढ़ के देवी देवता और ये सारे बात के बखान करथन, तो वास्तविक में मैं ये अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के अभिनंदन, स्वागत और का नमन करत हूँ मैं कि जहाँ से हो है ये छत्तीसगढ़ के खुशहाली के हमला आशीर्वाद देते है। आज के अवसर पर हम देखा था कि बीच में कोविड काल आई और कोविड काल आए के बाद में पूरा वैश्विक स्तर पर जेन हमर जीवन शैली और जेन हमर काम रही सब है सब एक प्रकार से छिन्न भिन्न हो गए, लोगन घर में घुस गए, लेकिन ओकर बाद में भगवान के कृपा है कि धीरे धीरे कम हुई सब है और आज अभी भी जो कोविड के संकट है वो समाप्त नहीं हुए हवे, सतर्कता अभी भी बरते के आवश्यक है। लेकिन एमा एक बात के हमला खुशी है कि बहुत विदेश के मन दावा करत रहे कि हमारे वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए, लेकिन ये देश के वैज्ञानिक मन, ये देश के डॉक्टर मन और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्थक प्रयास हुई कि यहाँ पर वैक्सीन बनी और वैक्सीन बने के बाद में आज 100 करोड़ से ऊपर के जो टीकाकरण हो आवा एकर लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का, हमारे चिकित्सक का, डॉक्टर का, प्रदेश की सरकार ला मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जेकर से कम एक बात सुनिश्चित हो गए कि कोविड के संकट तो अभी भी आ सकत है, लेकिन जैन प्रकार से समाज में जो क्षति हुई वो क्षति के आशंका बने रही है, लेकिन कम क्षति हो है, कम से कम टीका कर लगे के बाद में ये अपन लग विश्वास आवे कि संकट आए और जाए और थोड़ा सा सतर्कता बरतबो तो निश्चित रूप से एकर से सबला मुक्ति मिल सकत है। एकर साथ ही साथ जिन प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कि स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत,